छत्तीसगढ़ में विधानसभा की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस उसी जीत के फॉर्मूले को अपना रही है जिसके दम पर वो 15 साल बाद सत्ता में आई है। कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव के लिए भी लोगों के सुझाव लेगी और लोगों के सुझाव घोषणा में शामिल किए जाएंगे। अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस की टीम रवाना हो गई है। ये टीम हर वर्ग के लोगों से बात करेगी और सुझाव लेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता के सुझाव से ही तैयार होगा। वहीं बघेल सीडी मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इधर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि लोगों के सुझाव से घोषणा पत्र तैयार करना एक क्रांतिकारी कदम है। खुद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया लोगों से मिलकर सुझाव ले रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने घोषणा पत्र बनाने के लिए प्रत्येक प्रदेश में टीम भेज रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में के राजू साहब के साथ 3 सदस्यीय टीम भेजी हुई है और वो विभिन्न वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में जो चर्चा होगी वो ST/ST/OBC के लोगों के साथ दो सेशन में अभी बातचीत करी। लोगों के बीच में जाकर उनके सुझाव लेकर जन घोषणा पत्र बना और अब राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर घोषणा पत्र बनाने की क्रिया चल रही है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दूसरे पाली में ST/ST/OBC कल्याण के संदर्भ में ये सुझाव आमंत्रित हैं विभिन्न सामाजिक और विशेषज्ञों के माध्यम से, तो ये आकलन करके राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बनेगा।